नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह अब मैं आपको अगस्त के महीने का मिथुन राशि वालों का राशिफल बताने जा रहा हूं। और मिथुन राशि जो होती है, कै की कु घे डे छे के को हा, इन अक्षरों के ऊपर मिथुन राशि होती है। और मिथुन राशि के लिए ये जो महीना है सबसे अच्छा तो राजकीय सम्मान दिलवाने वाला है, राज्य से लाभ दिलवाने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से दशमस्थ हैं, अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए जो पदोन्नति चाहते हैं, बहुत समय से जिनकी पदोन्नति नहीं हुई, प्रमोशन नहीं हुआ, तो उनका प्रमोशन हो सकता है। हो सकता है किसी की नौकरी लगे, और नौकरी भी सरकारी। पिता से अच्छा सुख, अच्छा लाभ हो सकता है। इस महीने में माता, भूमि, भवन, वाहन, इनका सुख आपको प्राप्त हो सकता है। और आर्थिक यानी धन का लाभ तो इस महीने भरपूर आपको होने वाला है। कितना होगा सब परिश्रम पर निर्भर करता है, लेकिन परिश्रम का सफल होना भी बहुत जरूरी है। अर्थात इस महीने आपको आर्थिक लाभ, भूमि, भवन, वाहन का लाभ। और अगर शत्रुताएं हैं तो वो रोग, वो पीड़ा, वो केस, वो शत्रुता, वो भी शांत होने वाली है इस महीने के अंदर। बाकी 11वें स्थान के अंदर आपके मंगल और राहु दो ग्रह वहां पर बैठे हुए, तो वहां बैठे हुए क्रूर ग्रह, पापी ग्रह अच्छा ही लाभ देते हैं, लेकिन उनका जो दुष्प्रभाव है संतान स्थान के ऊपर पड़ने वाला है। अगर इस महीने आपके कोई संतान होने का योग बन रहा है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का विघ्न आ सकता है, बिगाड़ हो सकता है, अबोर्शन हो सकता है। और ये जो फल बता रहा हूं ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही लागू होता है। कई बार लोग पूछा करते हैं ये स्त्री पक्ष को बता रहे हैं या पुरुष वर्ग को आप बता रहे हैं, लेकिन ये जो भी फल हैं राशियों के, ये दोनों के लिए ही हुआ करते हैं। शनि आपके इस समय पर, शनि की ढैया आपको चल रही है, और शनि की ढैया कई प्रकार के विघ्न देती है। कई प्रकार के विघ्नों में आयु से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, राज्य से संबंधित, पिता से संबंधित, और धन से और कुटुंब से संबंधित, और संतान से संबंधित। बचा क्या, सब कुछ तो इसके अंदर आ गया। तो आपको इस महीने, बल्कि जब तक ये शनि आपके चल रहा है, विद्वानों से जानकारी लेकर के, और आप जो है शनि की शांति करें, शनि का दान करें, शनि का मंत्र जाप करें, शनि का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, ये आपको जो है करना है। बाकी अब मैं तारीख के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पहली जो अगस्त है ये आपके अच्छे प्रभाव को बढ़ाने वाली, मित्रों से लाभ देने वाली और विजय दिलवाने वाली है। 2 और 3 तारीख ये आपके लिए थोड़ी सी चिंताजनक रह सकती है। मन में क्लेश, घर में क्लेश, या कोई पीड़ा या अकारण भय मन के अंदर आपको व्याप्त हो सकता है। 4, 5, 6 तारीख ये आपके लिए श्रेष्ठ गुजरेंगी, पढ़ने वालों के लिए भी बढ़िया जाएंगी, और परिणामापेक्षी जो लोग हैं यानी विद्यार्थी हैं उनके परिणाम अच्छे आने वाले हैं। इंटरव्यू देने वाले, कहीं भी किसी का साक्षात्कार है तो वो सफल होने वाला है। 6, 7 और 8 तारीख वो आपके लिए थोड़ी सी पीड़ाजनक है, कष्टकारी है, विरोध इसके अंदर आपका किसी के साथ में हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखें। 9 और 10 तारीख ये आपके लिए अच्छी जाने वाली है, व्यापारियों के लिए व्यापार की वृद्धि, परिवार के लिए परिवार की वृद्धि, पति पत्नी के बीच अच्छा माहौल इसके अंदर रहने वाला है। और 11-12 तारीख ये आपके लिए थोड़ी सी कष्टकारी हो सकती है, पीड़ाजनक हो सकती है, तो उसके लिए सावधानी बरतें। 12 के बाद में 13-14 तारीख
ये आपके लिए यात्राओं की है, भाग्य की वृद्धि की है, धर्म वृद्धि की है, और इसके अंदर जो भी कार्य किया जाएगा वो आपका भविष्य में सफल होने वाला है। अब इसके साथ 15 और 16 तारीख ये जो है राजकीय सम्मान, राजकीय लाभ, राजनेताओं से लाभ या पिता से लाभ और पिता से अच्छा सुख आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। 17-18 तारीख ये आपके लिए लाभ ही लाभ का है। लाभ कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये तो परमात्मा ही बता सकता है, लेकिन लाभ का योग है। कई बार आप लोग ये भी प्रश्न कर देते हैं कि आपने जैसा बताया वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये जो राशियां हैं ये आपके जन्म की राशि के हिसाब से हैं। जन्म का आपका क्या नक्षत्र था, उसमें क्या अक्षर निकला था, उसके अंदर क्या नाम आपका निकलता है, उससे क्या राशि आपकी बनती है, उसके आधार पर है। आपका प्रचलित नाम तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मनमाने ढंग से नाम रख दिए जाते हैं। तो इस बात का विशेष योग है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब 18, 19, 20, 21 के अंदर आपको लाभ होने वाला है, और 22-23 तारीख ये जो है आपके लिए 22-23 तारीख ये आपके लिए 22-23 तारीख और 24-25-26 तारीख ये आपके लिए पूरे परिवार के लिए, घर के लिए, अपने लिए, सबके लिए बहुत ही खुशियों को देने वाली है। इसके अंदर किस प्रकार की खुशियां होंगी, घर में अच्छा माहौल होगा, बेलजोल होगा, मेहमानों का आगमन होगा, उत्सव जैसा उस समय पर वातावरण रहेगा। और इसके पश्चात अब आपका 27 और 28 तारीख है ये आपके लिए विजय की है। मित्रों से लाभ, भाइयों से लाभ, और हर जगह पर किसी भी प्रकार का जो विजय होनी है, चाहे वो वाद विवाद में विजय है, चाहे वो कोर्ट में विजय है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में विजय है, वो आपको विजय इस समय पर प्राप्त होगी। 29-30 तारीख ये थोड़ी सी कष्टकारी, पीड़ाकारी, चिंताकारक ये इस समय पर आपके लिए रह सकती है, क्लेशकारक भी रह सकती है, तो इसको शांति से आप गुजारें। 31 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया है, पढ़ने वालों के लिए, कंपटीशन देने वालों के लिए, एग्जाम देने वालों के लिए, सबके लिए ये 31 तारीख बहुत ही बढ़िया है, इसका आप लाभ उठाएं। और बाकी विशेष जानकारियों की अगर आपको आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके हमारे कार्यालय से आप अपॉइंटमेंट लेकर के, और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको प्रदान करो। अगर सेवा किसी से चाहते हो तो सेवा करना आप सीखिएगा, जिससे आपको भी लाभ हो और कोई आदमी दिलचस्पी के साथ में आपकी सेवा कर सके। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838889841। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838889841। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।